हम खबर आपको दे, बानी चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद नई मुश्किल में फंस गए। 9 मई के मुकदमात में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम, साबिक रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए। तीनों गवाहों ने 154 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। NA-53 में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। बयान दिया कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था। लाल हवेली में 9 मई की प्लानिंग की गई। राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान और राशिद हफीज भी प्लानिंग का हिस्सा थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया।